ये टमाटर काटने वाले, ये चाकू वाले और ये प्याज वाले पोटी। वाह यार, ये देखो पोटी, ये तो सबसे बड़े डॉक्टर है दोस्त, ये इस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट है राकू भाई यहाँ पे। और आज जो देवते का शाही स्नान होने जा रहा है जो कि गंगा में होता है, यहाँ पे शाही स्नान होने वाला है आज। ये रास्ता है जो कि बहुत डेंजरस है, और आज का ब्लॉग है देव श्री लक्ष्मीनारायण पर जो कि सगम नहलाने जा रहे हैं। यहाँ से हम नदी के किनारे, वहाँ पे जो भी कार्रवाई की जाती है वो चीजें आपको दिखाएंगे, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं दिखाई जाती है वो नहीं दिखाऊंगा, वो प्राइवेट होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद घर से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो रेडी अपन हो चुके हैं पूरी तरह से, और 9:20 हो चुके हैं। अलेक्सा के दर्शन कराते हैं आपको सुबह सुबह। अलेक्सा बाय बेबू टाटा। अब ये पीछे पड़ जाती है हमारे, इसको पता लग जाता है कि निकल रहा है, अब तरीके से निकालना पड़ेगा। तो धूप निकल चुकी है, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे का, और ये बैक साइड में मेरा ऑर्चर्ड है, आपको दिख रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा अपना ऑर्चर्ड है। ये अलेक्सा मेरे साथ में, अलेक्सा बिटू थोड़ी देर खेलने में इसके साथ मजा आता है, ज़्यादा देर नहीं खेल सकता। और ये यहाँ का व्यू है, अभी मुझे जाना है उधर, वहाँ पे मंदिर है, वो जो मंदिर देख रहे हैं वहाँ पे जाना है अभी। और यहाँ पे देखो घर के आगे, जैसे ये पुराने घर होते हैं ना, इनके आगे जो है गाय वगैरह बांधी जाती है, इस साइड में भी गाय है दोनों साइड पे, और नीचे से गौशाला होती है, गाय सोती है नीचे, ऊपर आदमी सोते हैं, नीचे गौशाला, और नीचे मेरी गाय वगैरह होती है लेकिन अभी है नहीं, चरने के लिए गई हुई है। और ये मेरा पुराना घर है, इसके नीचे भी गाय रहती है, और ऊपर हम रहते नहीं, वैसे शिफ्ट हो चुके हैं इस घर में। तो अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी से और देवते के पास जाते हैं, चलते चलते थोड़ा शॉर्ट लेंगे, और उसके बाद नदी के पास जो कुछ भी चीज़ें होगी दिखाने लायक वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले भाई के लिए टोपी लेके चलते हैं। हाँ मयंक बंद कर, बंद कर, अलेक्सा ही नहीं तो। दो टोपी, तो टोपी भाई ने मंगाई हुई थी, तो टोपी लेके चलते हैं। बाय मयंक, अलेक्सा को देना खाना, ओके बाय बाय अलेक्सा। ये देखो जाने के लिए कितनी तैयार है, चल पीछे जा। ये क्रोनू ये देवते के साथ चला रहता है जहाँ भी देखो। ये वाद्य यंत्र जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये नरसिंगा होता है और ये करनाली होती है, और ये ढोल नगाड़े, वो आपको अभी प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, थोड़ी देर में होंगे नदी के पास जब पहुँचेंगे। भी चले हमारे साथ, देखो कितने प्यारे प्यारे पपी है। हेलो चुकु चुकु चुकु। ओ यार कितने क्यूट है ना, छोटे छोटे। देवता निकल चुका है यहाँ से, और बहुत ज्यादा लोग हैं श्रद्धालुगण, और दो श्रद्धालु ये भी है हमारे साथ में, क्यूट बच्चे छोटे छोटे। चुकु चुकु बाय। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जुड़ चुके हैं देवते के साथ में, और आज जो देवते का शाही स्नान होने जा रहा है जो कि गंगा में होता है, तो ब्यास नदी जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर बचा है अब, तो वहाँ पे जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे आज देव श्री लक्ष्मी नारायण जी। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। जाओ 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 प्रभु। अगली देवता पहुँच चुका पनारसा में, और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सभी ब्यास नदी में चलते हैं, और जो शाही स्नान होता है वो करवाएंगे अभी।
फाइनली पहुंच चुके हैं हम ब्यास नदी के पास। तो ये रास्ता है जो कि बहुत डेंजरस है और तुलेश ब्रदर आगे चल रहे हैं और यहाँ पे शाही स्नान होने वाला है आज। बहुत टफ रोड है तो आराम से चलना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से है गाइस, सच बता रहा हूँ। ऊपर से ये सारे पत्थर नीचे को आ गए थे। चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो अभी के बाद कुछ कार्रवाई होने वाली है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो दिखाने लायक होगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और ये ब्यास नदी, और ब्यास नदी के नज़दीक हम पहुंच गए हैं, सारे वाद्य यंत्र पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये देखिए श्रद्धालुगण, ये टमाटर काटने वाले, ये चाकू वाले और ये प्याज वाले। हाँ भाई, माल काट, माल को दिखा पड़े जरा, बड़े बड़े लेग नहीं ये देखो मीट। और उधर भी बैठे हुए भाई साहब, और ये गंगा के किनारे, ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। और ये बाट भी आई है यहाँ से। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ पर पोटी साफ करे भाई जी। पोटी, वाह यार, ये देखो पोटी। ये तो सबसे बड़े डॉक्टर है दोस्त, ये इस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट है राकू भाई यहाँ पे, जो हर काम में आगे है। वैसे ये इतना गोबर, ये तो इसके अंदर निकलता है जो खाया हुआ होता है, पहले नहीं तो लेट हो गया आप। अच्छा, आपको बताते हैं हम क्या है इसमें। वाह जी वाह, साफ करने का तरीका ऐसा है, पानी भरा जाएगा इसमें, ये देखो इस तरह से पानी भरा जाएगा। वो स्मेल आ रही बहुत ज्यादा यहाँ, स्मेल तो आएगी ना अब, इस तरह पूरा मटेरियल निकाला जाएगा इसका। अब इसमें नीचे मटेरियल निकलेगा ऐसा, बाकी साफ इसको ऊपर किया जाएगा। ठीक है ठीक है, करो करो, वाह नाइस नाइस। और यहाँ पे मीट काट रहे हैं, हाँ यहाँ प्रेशर चला हुआ है पानी का, बढ़िया वाला सुपर। और यहाँ पे तड़का लग रहा है, और बिटू भाई ये मीट काट रहे हैं, इस साइड में प्याज काट रहे हैं, और वो प्रभु नारायण। सो गाइस ये भी है यहाँ, तुम कहाँ थे अभी तक भाई? हम देवते के साथ भाई। कहाँ थे? ये केन विलियमसन यहाँ पे, न्यूजीलैंड का कैप्टन मनोहर केड़ा, मनोहर कौन? लाल मेमोरियल के लिए दो अंपायर है। अच्छा दो अंपायर है ये, एक कौन सा अंपायर है, ये क्या नाम था उसका, वो गलत डिसीजन देता है। हाँ जो भी है मच्छर मदर ये है वो। और ये शामी, हाँ शामी बेटा शामी, टेंशन नहीं लेनी, अगली बार जीत जाएगा बेटे। गंगा स्नान हो चुका है यहाँ पे, वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती तो इसलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया बीच में। और अभी हम आए हैं थोड़ा यहाँ पे रेत वगैरह खरीदने, ये रेत पड़ी हुई है, ये सूर्य द डॉन यहाँ पे अपने साथ है, इनकी रेत है ये ठेका। कितने का हो रहा भाई? 800 रुपये डंपर टिपर 800 रुपये, इतना सस्ता नहीं यार, 800 रुपये में टिपर है, जितना चाहिए उतना उठा लो। और ये देखो नीचे से भी रेत पड़ी हुई है, वाह यार रेत ही रेत है भाई, अपने अपने घोड़े अपने ले आने पड़ेंगे। हाँ रेत खुला है, ले जाओ। और वो है उधर देवता, देखो वहाँ पे, वहाँ से आए हम पैदल अभी यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक व्यू दिखाने के लिए। और ये है ब्यास नदी, बहुत ही प्यारी है। तो अभी खाना वगैरह बन रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, खाना बनेगा फिर खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ आए हुए हैं फोटो शूट करने, क्योंकि खाना बनने में अभी टाइम है थोड़ा, तो मैंने सोचा फोटो शूट करते हैं। तो दोस्त लोग वहाँ पे खड़े हैं और मैं हमेशा फोटोग्राफर ही रह जाता हूँ फोटो खींचने के चक्कर में, तो क्या कर सकते हैं भाई, आईफोन वाली ज़िंदगी होती है तो ऐसी ही होती है, तो जीना पड़ता है इस सिचुएशन में भी। ये सारे खड़े हुए फोटो लेने के लिए और मेरी कोई फोटो नहीं ले रहा यार। और फोटो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आप वीडियो देख सकते हैं तो फोटो कितना ज़हर आ रहा होगा आप भी इमेजिन कर सकते हो।
की फोटो लेते हैं और उसके बाद मेरा फोटो शूट होगा। सो गाइस यहाँ से चल रहे हम, काफी ज्यादा थक गए हैं स्टेप ले लेके, क्योंकि उधर से आए हैं एक एक पत्थर देख देख के यार, मतलब सर में दर्द हो रहा है पत्थर को देख देख के। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम जगह पे अपनी ठिकाने पे, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ताश खेलने, और अभी जाना हमने आगे। ये खाना खाते हुए यहाँ पे संजू भाई बांटते हुए, खाने का टाइम हो गया, सभी श्रद्धालु बैठ गए, पातली आ गई हमारे मुंह के पास, और ये सूर्या एक कामी मानू पातली दे रहे भाई साहब, और इधर मटर पनीर बांट रहे हैं, और ये बंदा इसका पेट नहीं भरता, ये देखो मन हो गया, अब हो गया शर्मा मत खा दबा के खा। तो गाइस अभी देवता निकल रहा है यहाँ से घर के लिए वापस, रास्ते में थोड़ा सा रास होकर घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग चाय और हलवा खा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और ये टूट पड़े हैं यहाँ पे बुरे हाल से, बेचारे भूखे शेर हैं, खा लो ये देखो सभी चाय का लुक लेते हुए, अभी इनको मिली नहीं है यहाँ पे राहुल जी, खाली है। हाँ जी राहुल जी, ये दिल्ली कहना है यार। सो गाइस ये फाइनली हमारे पास चाय वाला आया है, लेकिन अब ये परे वाली साइड ही अटका है, और ये अब हमें चाय दे रहा है भाई साहब, चाय का इसको थोड़ी एक्स्ट्रा डालना, काफ़ी देर से वेट कर रहा है, ये थोड़ी डालना बस, धन्यवाद जी, चाय का लुप्त लेंगे, ओके चेक करते हैं चाय का, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर में, और खाना वगैरह खा के हो चुके फ्री, और अभी थोड़ी देर हम आए थे ग्राउंड में झूला झूलने, और जस्सी भी हमारे साथ में, और राहुल भंडारी भी हमारे साथ में, तो थोड़ी देर झूला झूलेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय, टेक केयर, सी यू सून।